हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बीपीएससी प्रीलिम्स जो 68 प्रीलिम्स होने वाला है, इवन आप उसके आगे के प्रीलिम्स की बात करें तो इस बारी का प्रीलिम्स 8 जैन को होने वाला है। इवन आप अगर 69th को लेके तैयारी कर रहे हैं तो भी ये कोर्स उतना ही फ्रूटफुल होगा। तो इसमें हम क्या इंक्लूड कर रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। कौन कौन से सब्जेक्ट पहले आते हैं प्रीलिम्स में वो पता होना चाहिए आपको। हिस्ट्री, सबसे इम्पोर्टेंट हिस्ट्री। उसके बाद साइंस, साइंस के बाद बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल के बाद करेंट अफेयर्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सब सब्जेक्ट आते हैं। उसके बाद कुछ हम यहाँ पे आप एनवायरनमेंट को भी लिख सकते हो, एनवायरनमेंट, ठीक है ना, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। उसको ज्योग्राफी में ही इंक्लूड कर देते लेकिन मैं अलग लिख दे रहा हूँ। तो 68 बीपीएससी में जब हिस्ट्री की बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है मॉडर्न हिस्ट्री, ये हम लोग अभी तक बोलते थे, लेकिन अब मैं बोलूँगा तीनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मॉडर्न थोड़ा सा ज़्यादा आता है, लेकिन मेडाइवल एंशियंट इग्नोर लोग बहुत कर चुके थे, लेकिन अब वो कर ही नहीं सकते, करना ही नहीं उनको, ठीक है। साइंस, साइंस हम भी पहले भी बोलते थे कि यार, पहले बोला जाता था कि बायोलॉजी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फिजिक्स केमिस्ट्री से, ये मिथ भी ख़त्म हो गया। तो आपको बीपीएससी बार बार बता रहा है कि अगर हम तीन साइंस को सीधा बोलें तो साइंस का मतलब तीनों चीज़ है, इग्नोर मत करो, ये उनका बार बार बोलने का मतलब है, इग्नोर मत करो। तो हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, पॉलिटी। तो इसमें मेरा फोकस क्या होता है, मेरा फोकस होता है जो बेस्ट सोर्स है बुक, उस बुक को ही कवर करने का, बेस्ट जो सोर्स होता है। जैसे हिस्ट्री में जो बेस्ट सोर्स है, बिहार स्पेशल में जो बेस्ट सोर्स है, साइंस में जो बेस्ट सोर्स है, उसको कवर करने का। और इसको हम लोग थोड़ा सा अलग अलग तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे हमें मेन चीज़ क्या करना होता है, थ्योरी करना होता है, फिर प्रैक्टिस करना होता है, थ्योरी प्रैक्टिस रिविजन, तीन चीज़ मेन हमारा प्रैक्टिस होता है। थ्योरी पढ़ो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, थ्योरी पढ़ो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, तीन मेन चीज़ होता है। तो मेरा यही प्लान होता है कि हम लोग जो हमारे सोर्स है ना, जो बेस्ट सोर्स है, जो हमारे पास सोर्स है, उनको यूज करके करें। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि ये मेरा नोट्स है, क्योंकि हम किसी बुक को लेके ही बनाते हैं, सब बुक को ही लेके बनाते हैं, लेकिन सब अपना नाम देते हैं। मैं नहीं चाहता ऐसा कि जो बुक है, जो आप बोलते हो कि ये बेस्ट बुक है, तो हम बोले हाँ उसी बुक से हम करवा रहे हैं। जैसे मान लो एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं, मेडाइवल हिस्ट्री की, मॉडर्न, तो एक बेस तैयार करने के लिए हम क्राउन से कवर कर लेते हैं। बेस तैयार करने, हमारा बेस एक बार तैयार हो गया। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो बहुत कुछ आपका यहाँ से कवर नहीं होगा, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ से कवर नहीं होगी, मतलब अगर डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम 1857 से 1947 ऑलमोस्ट 300 पेज दिया हुआ है, स्पेक्ट्रम का भी कवर करने वाले हैं। और इसको मैं कवर करूँगा, मैं अपने नोट्स से, मेरा जो हैंड रिटन नोट है उससे कवर करूँगा। इसमें हम काफ़ी चीज़ बुक से या काफ़ी चीज़ मैं लिख लिख के करता हूँ, लेकिन इसमें मैं ऑलरेडी हैंड रिटन नोट से करूँगा, ताकि मैं उसको आप सीधा सीधा शेयर कर सकूँ, हैंड रिटन नोट्स आपको, ठीक है। जैसे मेरा इंग्लिश में नोट्स है और मेरे भाई का हिंदी में नोट्स है, तो ये मैं दोनों शेयर कर रहा हूँ रेस्पेक्टिव स्टूडेंट को, इंग्लिश वाले को इंग्लिश, हिंदी वाले को हिंदी शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1857 से 1947 तक एंशियंट हिस्ट्री में भी कुछ चीज़ें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसमें, उसको हम थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्कस करने का कोशिश करेंगे अलग से, बुद्धिजम जिन्हें। एक बारी हमारा मान लो थ्योरी कंप्लीट हुआ, प्रैक्टिस किससे करेंगे, प्रैक्टिस और रिवीजन घटनाचक्र से करने वाले, प्रैक्टिस रिवीजन घटनाचक्र से। एक चीज़ और, मैं बहुत ज़्यादा पीडीएफ पे फोकस नहीं, मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि पीडीएफ लेने से क्या होगा, ध्यान देना। मैं बोलूँगा पीडीएफ ले लो, इतने पेज की है, लोग 1200 पेज का जो पूरा जो उनका बीपीएससी का कोर्स होता है ना, 1200-1500 पेज का होता है, ठीक है। ये कभी आप निकालोगे नहीं, क्योंकि बहुत महंगा पड़ेगा। उससे अच्छा क्या करो आप लोग, क्राउन बुक ले लो, एक बुक तो आप ले ही सकते हो एक के लिए। अब इसमें जो मैं, क्योंकि क्राउन बुक भी मैं कराता हूँ, तो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अलग से कराते जाता हूँ। तो आप क्या करना, इस बुक में ही, क्योंकि जगह तो बचे होते हैं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इन ऐड कर सकते हो। इवन मैं करके ही बताता हूँ कैसे कैसे करते हैं, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, जब मैं इंग्लिश में कराया था, ये आपको एक ब्रिटिश एडवेंट टू यूरोपियन जो पुर्तगीज वाली स्टोरी है उसका एक वीडियो मिलेगा। उसके बाद ये ज्योग्राफी का, ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया, ये अलग अलग आपको वीडियो मिलेगा।
अलग टॉपिक का, जैसे कृष्णा रिवर पे वीडियो है, कृष्णा रिवर पे वीडियो है, छोटा सा वीडियो है जिसमें कृष्णा रिवर के बारे में हम सब कुछ डिस्कस किए हैं। तो आप एकदम टॉपिक टॉपिक वाइज बटा हुआ है, तो आप यहाँ पे देखोगे जैसे यहाँ पे टॉपिक वाइज बटा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे देख रहे हो सेम यही आपको देखो देखोगे मॉडर्न हिस्ट्री में। यहाँ पे देखो अलग अलग टॉपिक मिलेगा, वुमेन, बंगाल पार्टीशन, स्वदेशी, अलग अलग वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे क्राउन का एक एक वीडियो कवर हो जाता है। और एक चीज़ मैं आपको अभी दिखा, तो मैंने अभी अभी जो हिंदी में कर रहे हैं उसमें कैसे मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, जो मुझे राजा राम मोहन राय जी के बारे में एक्स्ट्रा बताना है। इवन आप नीचे भी आ सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा है जो मुझे एक्स्ट्रा बताना था। तो आप देख रहे हो कि एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि फिर भी लोग पीछे पड़े रहते हैं कि ये पीडीएफ मिल जाए, ये पीडीएफ मिल जाए। मैं आप लोग को एक कॉस्ट बेनिफिट उसका दिखाता हूँ पीडीएफ का। अगर मैं पीडीएफ देता हूँ कोई ऐसे बुक का, लक्ष्मीकांत के कुछ पेजेस मैं करवा रहा हूँ, स्पेक्ट्रम का कुछ मैं पेजेस करा रहा हूँ, उसका हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूँ ताकि आपको पूरा बुक ना कवर करना पड़े 20-25 पेज, और वो आपको खुद से करने जाओ तो बहुत टाइम लेगा। तो चलो वो तो सही है, A4 साइज में मैं हैंड रिटन नोट देता हूँ, वो बहुत सही है। लेकिन खुद सोचो, जो बिल्कुल बेसिक चीज है, मान लो मैं नोट्स देता हूँ और नोट्स में बौद्ध संगति के बारे में है, बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में, चार काउंसिल लिखा हुआ है उसके बारे में डिटेल, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आपको हर बेसिक किताब में मिल जाएगी। ये तो आप क्राउन तो खरीद ही रहे हो, एक किताब तो खरीद ही रहे हो, तो सेम किताब में जो है वही मेरे अगर नोट्स में रहेगा तो मेरा नोट्स डिस्टिंक्ट कैसे शो करेगा। तो मैं डिस्टिंक्ट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, जैसे NCERT में कराता हूँ, इसका मैं हैंड रिटन नोट्स दूंगा, घटनाचक्र तो प्रैक्टिस के लिए यूज करो, उसका नोट्स नहीं बना उसी, लेकिन मैं घटनाचक्र क्योंकि अभी क्राउन में हिंदी में करवा रहा हूँ ना, अभी हिंदी में मैं करवा रहा हूँ, इंग्लिश ऑलरेडी कवर है। तो घटना चक के जो वन लाइनर है, जिसको हम बोलते हैं वन लाइनर, वो मैं हिंदी वाले के एक्स्ट्रा साथ साथ बता देता हूँ, सिर्फ एक्स्ट्रा मतलब जो, क्योंकि मेजॉरिटी चीज़ तो क्राउन में है ही, जो एक्स्ट्रा होता है वो 4-5, 10-10 पॉइंट जो हर चैप्टर में जो बच छूट जाता है वो करा देता हूँ हर चीज़ में ही। तो सिंपल हर चीज़ का नोट्स कोई PDF कोई आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगा, ये आपको और दिक्कत में डालेगा। आप क्योंकि सेम चीज़ आप करो PDF से, आप क्राउन तो कर ही रहे हो, क्राउन या लूसेंट कर ही रहे हो, तो सेम आपको PDF पड़ेगा, सेम टॉपिक, कितना ज़्यादा क्लैश होगा टॉपिक का, सेम टॉपिक आपको अलग एक नोट्स बन जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसीलिए मेरा जो सोर्स होता है ना, मेरा जो कोर्स होता है काफ़ी अलग होता है। लोगों का कोर्स होता है कि 500-500 घंटे, 600-600 घंटे BPSC के प्रीलिम्स का कोर्स, ये मेरा आपको मैं बोल रहा हूँ कि मुश्किल से 150 hour भी पहुंचेगा, क्लियर 150 hour भी पहुंचेगा ये सारे कोर्स, और काफ़ी रिलायबल कोर्स है। इस बार भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, और जो लीक हुआ था पेपर उसमें भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। तो मेन है कि हम लोग उस चीज़ पे फोकस करते हैं, उस चीज़ पे फोकस करते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और मेन हम लोग मेन बेसिक चीज़ पे फोकस करते हैं। जैसे नई नई मैगजीन आई उसको कवर कर लिया, हम लोग उस पर फोकस करते हैं जहाँ पे जो सब करते हैं, जैसे क्राउन सब पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम करना होता है, हम इसी का करते हैं, लूसेंट कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते हैं, घटनाचक प्रैक्टिस के लिए। और उसके बाद मैं आपको साइंस बताता हूँ, साइंस काफ़ी लोग छोड़ देते हैं, और या साइंस उस लेवल तक नहीं पता है, या रेलवे का जो किताब है उससे MCQ करवा ली, उससे अब काम नहीं चलने वाला है, अब आपको एक लेवल तक पढ़ना होगा। इसीलिए आपको मैं 9th और 10th का ऑलरेडी रिकॉर्ड करो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है क्लास 10th का प्लेलिस्ट साइंस का, हम पहले साइंस का कवर करें क्लास 9th, और सेम इसी तरह एक प्लेलिस्ट है क्लास 9th का, ठीक है। तो ये दोनों प्लेलिस्ट है, तो इसमें दोनों में ऑलरेडी 4-4, 5-5 चैप्टर हो चुका है, और ये हम अलग से डाल लें, ये मैं अलग से अलग प्लेलिस्ट, जो आपका जो BPSC वाला ग्रुप है उसमें भी इसको इंक्लूड ऑलरेडी कर दिया है। ये हमारा ये अलग से ग्रुप है, कि कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली सिर्फ NCERT लेते, ये उनके लिए है। तो NCERT आपको 9th 10th और इवन 9th 10th वाला मैं दिखाया हूँ भी हूँ स्क्रीनशॉट से, कि कैसे इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, और कुछ चैप्टर 11th 12th का बहुत सेलेक्टिव चैप्टर होंगे इन तीनों के,
नाइन्थ टेंथ हमें पूरा कवर करना है। क्राउन तो हम कवर कर ही चुके हैं, घटना चक्र हमें प्रैक्टिस के लिए यूज करना है। बिहार स्पेशल स्टैटिक के लिए एक तो मैं अरि दो एक मैं ऑलरेडी करा चुका, अरिहंत और आरोही पब्लिकेशन के बुक से मैंने कराया। अब इसमें एक्स्ट्रा और ऐड करना है, मुझे लग रहा है कि ज्योग्राफी और मुझे थोड़ा सा इन डेप्थ जाना होगा, ठीक है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन अभी भी ऐसे आते हैं, जैसे मैंने दो क्वेश्चन देखा जो और भी थोड़ा डेप्थ मांगता है, ठीक है ना, थोड़ा सा और। तो इसमें और हम इंक्लूड करने वाले हैं, एक केबीसी नैनो है उससे, क्योंकि देखो इससे फ़ायदा होगा कि हमारा मेंस वाला भी पोर्शन काफ़ी कवर हो जाएगा। तो इसलिए इस बुक को, एक कोर्स ऑलरेडी हमारा कमिट है, एक पूरा सीरीज ऑलरेडी कवर है, और लेकिन ये ऑलरेडी हम थोड़ा सा कवर करेंगे केबीसी नैनो से। करेंट अफेयर्स में ये सर्वे सेंसस ये सारा कवर है, लेकिन उसके अलावा बिहार के करेंट अफेयर्स हम लोग देख लेंगे कि उस समय कौन सी मैगजीन बेस्ट है, उस मैगजीन से हम कवर करेंगे। इस बारी हमने बिहार करेंट अफेयर्स दो मैगजीन से किया था, एक परम आईएएस के मैगजीन से और एक किया था हमने दृष्टि वाले से, लेकिन हम इसके एक और बियॉन्ड करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इस पर एफर्ट डालेंगे क्योंकि बिहार करेंट अफेयर्स से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मल करेंट अफेयर्स स्पीडी और एडुटेरिया हमने कर ही रहा है, दोनों में से एक एडुटेरिया पे हम ज़्यादा फोकस करें, लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर मुझे बताओ कि क्या मंथली मैगजीन आप लोग को कोई चाहिए, और बिल्कुल शॉर्ट में हम लोग करेंगे, बिल्कुल प्रीलिम्स ओरिएंटेड न्यूज होगा, जैसे पूरा विजन आईएएस के मैगजीन को हम 10 से 15 पेज में कवर कर लेंगे, ठीक है, या इवन उससे भी कम, ठीक है ना। मैं अपने लिए बनाता हूँ प्रीलिम्स के लिए, तो वो और भी कम होता है, ठीक है, और मेंस के लिए तो बिल्कुल आप मैगजीन से ही पढ़ो। पॉलिटी की बात करें तो कुछ चैप्टर हमें लक्ष्मीकांत से करना है एक्स्ट्रा, जैसे फंडामेंटल राइट, ये सब जो इवन हम अपने पुराने कोर्स क्राउन में भी कराए थे ना, तो ये सब लक्ष्मीकांत से ये तीनों कराए थे, ठीक है ना, क्योंकि ये चैप्टर कहीं भी अच्छे से दिया नहीं रहता उतना अच्छे से, ठीक है। और लक्ष्मीकांत से और क्या हमें कराना है, अभी तक हम ये सब क्राउन से कराए थे, लेकिन ये पार्ट लक्ष्मीकांत से जरूरी है कराना, सिर्फ ये पार्ट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव, इसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर है, PRI, म्यूनसिपालिटी और कोई एक दो चैप्टर मुझे लगेगा, बाकी मुझे नहीं लगता है कि जरूरी है। इकोनॉमिक्स तो मैगजीन से हो जाता है, जो थोड़ा बहुत बचेगा क्राउन जीए से हो जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी NCERT क्लास 11th का मेनली हम लोग ऐड करेंगे, 12th का नहीं, क्योंकि 12th थोड़ा सा इकोनॉमिक ज्योग्राफी टाइप का हो जाता है, तो वो हम ऑलरेडी वो हम करेंट अफेयर से हमारा कवर हो जाए। और ये दिनों अब देखो हिंदी के लिए कैसे कैसे हम कवर करें, बाकी सारे नोट्स ऑलरेडी इंग्लिश में है, तो क्राउन के लिए हम लोग हिंदी बुक अलग से कवर करें, करेंट अफेयर्स हिंदी मैगजीन से होगा, हिंदी और इंग्लिश में। अब जो मैगजीन अब जो होगा ना, अब जो हमने जुलाई महीने तक कर लिया था, अगस्त से इससे आगे का जो कवर होगा वो हिंदी इंग्लिश साथ में होगा, बाकी पीछे हम जुलाई का भी बाइलिंगुअल हम रिकॉर्ड करवा लेंगे, ठीक है, बाइलिंगुअल। और आगे का अगस्त महीने, चाहे इसका अगस्त महीने से आगे का, या तो चाहे मंथली हो या ईयरली वाला है, ये दोनों हिंदी इंग्लिश साथ में होगा। तो ये हिंदी वालों के ये प्रॉब्लम सॉल्व है जो हिंदी में कोर्स इनरोल कर रहे हैं। उसके अलावा लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम दोनों में अलग अलग कवर होगा बिल्कुल, ठीक है, या साथ भी हम कवर कर सकते हैं साथ में दोनों, क्योंकि मैं हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है ना, एकदम शॉर्ट में, हमें ज़्यादा चाहिए नहीं डिटेल में। उसके अलावा NCERT का तो जो भी कर रहे हैं ना, हिंदी इंग्लिश बिल्कुल आप साथ में कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे क्राउन और करेंट अफेयर्स अलग से कवर करना है, और घटना चक्र ये अभी तक सिर्फ हमारे पास इंग्लिश में है, ठीक है, बट हिंदी में मैं समझाता हूँ एक एक चीज़, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और बस ये थोड़ा मन का भरम होता है कि ये समझ नहीं आएगा, वो जैसे मेंटल ब्लॉक तोड़ोगे ना अपने आप सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। इतना है, ये दोनों लैंग्वेज में हो गया, और भी कुछ आपको पूछना है तो आप मेरे नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो, और अब सजेशन, प्लीज सजेशन देना ज़रूर, हम लोग सजेशन आपसे एक्सेप्ट करेंगे, अगर वो सजेशन लगा कि वर्क करेगा। 9582062485 इस पे ज़रूर मैसेज करना, और प्राइस सिर्फ 999 है, सिर्फ 999, ठीक है। तो और एक चीज़ देख लेना, NCERT कोई नहीं करवा रहा आपको,
एनसीईआरटी, और एक चीज़ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बीपीएससी में मैं सारे एनसीईआरटी इंक्लूड करने वाला हूँ, नहीं, एनसीईआरटी का सेपरेट कोर्स है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो अगर एनसीईआरटी चाहिए। लेकिन इसमें काफ़ी हम लोग दो, तो हम 9th 10th का साइंस तो डाल ही रहे हैं, ज्योग्राफी में हम 11th का दो बुक डाल ही रहे हैं, ये दोनों तो हम बिल्कुल आपसे वादा कर रहे हैं। साइंस में कुछ चैप्टर, 4-5 चैप्टर एक्स्ट्रा डालेंगे इसमें, लेकिन सारा नहीं डाल सकते, और बीपीएससी में सारा ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है, वो अलग से कोई और एग्ज़ाम आप दे रहे हो उसके लिए है, या पूरा आप चाहते हो कि हम कवर करना चाहते हैं साइंस तब, या एनसीईआरटी बाकी यूपीएससी वगैरह के लिए, तो आप ज्वाइन ज़रूर कर सकते हो। आप इस नंबर पे मैसेज करना 9582062485। इसमें क्या क्या हमने सोर्स यूज किया, क्राउन, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, नोट्स मैं किस किस का दे रहा हूँ, और आपको समझा भी दूंगा कि सिर्फ पीडीएफ के पीछे मत भागो। पीडीएफ को अगर मान लो सेम कंटेंट क्राउन का मैं उतार के पीडीएफ दे दूँ, मैं बोलूँ मेरा नोट्स है, मैं उस एक दो चीज़ एक्स्ट्रा कर दूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास क्राउन बुक है, उसी वो नोट्स है, वो नोट्स है, उसी को नोट्स मानो, बेस उसी को मानो, और उसके ऊपर तैयारी करो। भाई इसमें जो कमी हो रही है, हमें लगा कि स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री कमी पर रही है, कर देंगे, लक्ष्मीकांत का कुछ कुछ चैप्टर कमी पर रही कर देंगे, एंशिएंट हिस्ट्री का कुछ चैप्टर कमी पर रही कर देंगे, अगर मुझे लगा कोई और सब्जेक्ट में मुझे लगा कमी, जैसे आप बताओगे, ठीक है, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करके ही बता रहा हूँ, इसके बाद भी आप बताओगे या मुझे लगे इन फ्यूचर ये टॉपिक और हो सकता है, इस पर और बढ़ा, जैसे मैंने देखा कि बिहार का मैं ज्योग्राफी और इन डेप्थ कराने वाला हूँ, ठीक है ना, करेंट अफेयर्स का मैं और एक और मैगजीन से कवर कराने वाला हूँ, ठीक है, और करेंट अफेयर्स का हम मंथली मैगजीन से भी कवरिंग करेंगे। एक आप मुझे बताना, एक परफेक्शन आईएएस का मंथली मैगजीन आता है, उसमें बिहार वाला पोर्शन रहता है, वो कैसा है, ठीक है ना, आप लोग थोड़ा सा सर्च करके बताना, फिर मैं उसको समझा दूंगा कॉन्सेप्ट पे। और हमारा मेन फोकस होता है कॉन्सेप्ट, आप विवेन क्राउन में जो लोग हैं वो देख रहे होंगे कि हम ऐसे नहीं कि चीज़ बता रहे, नहीं, ठीक है, कॉन्सेप्ट इज अ की। और जैसे आपने देखा अभी बीपीएससी 67 में कुछ क्वेश्चन साइंस के आपको नहीं बनते, अगर कॉन्सेप्ट आपका ठीक नहीं, रटे रटे ऐसे बनते क्वेश्चन बहुत, लेकिन नहीं बनते, ठीक है ना, आपको चाहिए, अब कॉन्सेप्ट मांगता है बीपीएससी, इन फ्यूचर और मांगेगा, ठीक है ना। और 68 में जो बोल रहे हैं कुछ कुछ बदलाव, तो जो बदलाव किया जाएगा हम लोग उस पर, क्योंकि अभी हम कुछ बता नहीं सकते क्या बदलाव करेगा, लेकिन बहुत मेजर बदलाव नहीं कर सकता, ये नॉर्मल बात है। तो एक बदलाव होगा, माइनर बदलाव होगा, क्या क्या बदलाव हो सकता है, मे बी ऐसा बदलाव हो कि निगेटिव मार्किंग हो जाए, ये सब बदलाव चल सकता है। बाकी देखो मेजर बदलाव आपको पता है, फिर मूवमेंट होने लगी, तो ये एक बदलाव ऐसे करेंगे कि स्टूडेंट के फायदे में, स्टूडेंट के हित में वाला बदलाव होगा, ठीक है। तो इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और टाइम नहीं है। अब देखो इसमें 17 दिन बचे हैं अक्टूबर में, नवंबर का 30 दिन, 31 दिन दिसंबर का, और वो 8 दिन तो मैं ऐसे ही हटता, तो 8 3 3 6 1 7 78 डेज, मतलब 80 डेज बचा हुआ है आपके एग्जाम में, ठीक है ना, ओनली 80 डेज, कुछ नहीं होता, ठीक है ना। आपको प्रॉपर आप गाइडेंस वाली तैयारी, इसमें आपको गाइडेंस भी मिलेगा, और जो भी डाउट हो बताना, मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।